नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर पोर्टल सोर्स। दिस इज 1st of April 2021 विद मी। उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं। ये क्लास रोज सुबह 7 बजे आपके लिए लेकर आता हूं और उस क्लास के तुरंत बाद रहता है एक MCQ का सेशन और 8 बजे हमारी एक प्लस क्लास होती है जो कि हमारी अन अकेडमी पे होती है और वो एक पेड क्लास है और वो 3 तारीख से वो क्लासेस स्टार्ट होगी। आज ये क्लास 7 बजे ना होकर 8 बजे हो रही है और 7:35 पे जो MCQ क्लास थी वो अभी जस्ट ओवर हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर अभी तक नहीं देखी थी वो लाइव क्लास जिसमें हम अभी तक मौजूद थे, हम कर रहे थे करंट अफेयर्स के MCQs प्रीवियस डे के, तो जाकर क्लिक करके देख लीजिएगा। ओके, सो कल से डेली बेस पर आपको सुबह 7 बजे आना है जो ये क्लास आप अभी अटेंड कर रहे हैं। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा ताकि आपको मेरी सारी की सारी जितनी भी क्लासेस हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहें, कब क्लास होगी, कहाँ पर होगी, लिंक, PDF सब कुछ शेयर करता हूँ। @KKart पर लिखेंगे, @KKart पर टेलीग्राम पे मेरा चैनल मिलेगा। 50,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं उस चैनल के, उसी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर मेरी डेली अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। राइट, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा इस तरह मेरे साथ। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा, वहां पर बहुत सारे लिंक्स हैं, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे मेरे दूसरी वेबसाइट पर भी, हमारी ऐप पर भी और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी। राइट, ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहली न्यूज आप सभी के सामने आई है, माइस रोड शो। यहाँ पर एक रोड शो हुआ, मीट इन इंडिया, माइस रोड शो मीट इन इंडिया एंड ऑल्सो इनॉग्रेशन ऑफ द छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर। सो यहाँ पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर जो कि है प्रहलाद सिंह पटेल, एज वेल एज दी यहाँ पर मौजूद थे चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश जो कि हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। ओके, इन्होंने दोनों ने मिलकर इनॉग्रेट किया है आपका छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, कहाँ पर, खजुराहो मध्य प्रदेश में, खजुराहो मध्य प्रदेश में यहाँ पर किया गया है इसको इनॉग्रेट। एंड ऑल्सो दे हैव लॉन्च द माइस रोड शो मीट इन इंडिया, माइस रोड शो मीट इन इंडिया यहीं पर ही आपका खजुराहो में ही इसको लॉन्च किया गया है। इस छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर को यहाँ पर डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत, स्वदेश दर्शन स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है और ये लॉन्च की गई थी 2014 एंड दी 15 के बीच में। ओके, 2014-15 फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में लॉन्च किया गया था। एंड इस माइस रोड शो की अगर बात करें, इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, एंड साथ में थी मध्य प्रदेश टूरिज्म एंड इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो। ओके, एंड माइस का जो फुल फॉर्म है वो है मीटिंग्स इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंसेस एंड दी एग्जीबिशन। एंड इसी मौके पर एक मीट इंडिया इट वॉज ऑल्सो प्लान टू लॉन्च ड्यूरिंग दिस इवेंट। ओके, सो यहाँ पर आप इस न्यूज को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, फिर नीचे वाली चीजें और पढ़ेंगे, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। पहली चीज यहाँ पर आई है माइस रोड शो। माइस रोड शो में माइस का फुल नाम क्या है, दैट इज ए मीटिंग्स इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन, ये माइस का आपका फुल नेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर एक माइस रोड शो मीट इन इंडिया कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, ये पूछा जा सकता है। तो माइस रोड शो मीट इन इंडिया जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया आपका खजुराहो में, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो में कहाँ पर, बेसिकली एक कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया जिसका नाम है छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था आपका, किस तरह से हम अपने टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, जो छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर था वो कौन सी स्कीम के तहत डेवलप किया गया है। राइट आंसर आपका स्वदेश दर्शन स्कीम रहेगा, आपकी लॉन्च की थी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने आपकी इसको लॉन्च किया था। ओके, सो कुछ इस तरह के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ये बेसिकली पूरी की पूरी न्यूज टूरिज्म को बढ़ावा देने से रिलेटेड है, जिसमें खजुराहो जो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर ये सब किया गया, ये पूछा जा सकता है। खजुराहो का नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। और माइस की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, माइस क्या है आखिरकार, फुल नेम इसका क्या है। ठीक है,
अब यहाँ पर आगे चलते हैं, एक खजुराहो के बारे में, इसी मौके पर आपका खजुराहो के बारे में एक बात की गई, इट विल हेल्प खजुराहो मध्य प्रदेश एज एन आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने में मदद मिलेगा खजुराहो को। आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक सेंट्रली सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ही की गई। इसमें आपका कुछ ऐसे शहरों को चुना जाता है, कुछ ऐसे एरियाज को चुना जाता है जिनको आपका एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात की गई है। अभी तक आपके टोटल 19 ऐसी जगहें हैं जिनको इस प्रोग्राम के तहत चुना जा चुका है। देर आर 19 टोटल ऑफ 19 जहाँ पर आप मेरी पिक्चर देख रहे हैं, इसके पीछे लिखा हुआ है। ओके, जब आपको PDF मिलेगी तब पढ़ लीजिएगा। टोटल ऑफ 19 आइकॉनिक डेस्टिनेशन जिनको इस प्रोग्राम के तहत चुना जा चुका है। ओके, सो यहाँ पर खजुराहो आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन, और लेटेस्ट जो हमारे पास डाटा है उसमें कितने आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया में, राइट आंसर है आपका 19। ओके, राइट आंसर 19 है। नेक्स्ट चलते हैं, शहीद अशफाक उल्ला खान जू, फर्स्ट जू इन पूर्वांचल यूपी। ओके, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया है शहीद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क, कहां पर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। सो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में यहां पर आपका शहीद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क यहां पर इनॉग्रेट किया, जो कि हमारे एक फ्रीडम फाइटर शहीद अशफाकुल्ला खान जी, उनके नाम पर रखा गया है और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किया गया है। और ये तीसरा जू है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और पहला जू है पूर्वांचल एरिया का, उत्तर प्रदेश में एरिया बांटा हुआ है, पूर्वांचल एरिया में वहां पर आपका पहला जू है। ओवरऑल उत्तर प्रदेश में आपका ये तीसरा जू है। इससे पहले एक कानपुर में एक जूलॉजिकल पार्क है और दूसरा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, ये आपका लखनऊ में है। ओके, दिस इज इन द लखनऊ, सो ये दूसरा लखनऊ में है, अब तीसरा यहाँ पर गोरखपुर में है। इसकी जो लागत आई है वो 260 करोड़ रुपीज आई है, 260 करोड़ की लागत से ये आपका बनाया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, शहीद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क कौन सी जगह पर बनाया गया है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, या फिर पूछ लेंगे कि पहला जू पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में कहां पर बना है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बना है, इसका नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है, वाइस वर्सा क्वेश्चन। और अगर मैं ट्रिकी क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें इसका नाम ना पूछकर पहले दो जू का नाम पूछ लेंगे कि इनमें से कौन से पहले दो जू ऑलरेडी यहां पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। राइट आंसर कानपुर का एक रहेगा और दूसरा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में। या फिर एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है जिसको आप स्टैटिक अवेयरनेस में लेंगे, वैसे तो करंट अवेयर्स का पार्ट है बट आपको लगेगा स्टैटिक अवेयरनेस है, वो क्वेश्चन रहेगा आपका नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो है वो कौन सी जगह पर सिचुएटेड है। राइट आंसर उसका रहेगा लखनऊ में सिचुएटेड है। और कितनी कॉस्टिंग है, 260 करोड़ रुपीस इसकी कॉस्टिंग है, ये जो गोरखपुर वाला जू है, ठीक है, इसकी नीचे उत्तर प्रदेश के स्टैटिक फैक्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, बिहार से न्यूज आई है। बिहार के आपके ऐसे दो जगहों को चुना गया है, दो टाउन्स को चुना गया है जो कि आपके एक ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स बनेंगे। बेसिकली यहां पर आपका सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, सोलर एनर्जी से काफी चीजों को ऑपरेट किया जाएगा, ये आपका एक टारगेट सेट किया गया है। और इसी के साथ बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है जहां पर दो ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें नाम क्या है इन शहरों के, पहला है आपका राजगीर, पहला है आपका राजगीर एंड दूसरा है आपका बोधगया। सो ये दोनों टाउन्स आपके चुने गए हैं जहां पर सोलर एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा, यहां पर एक एनर्जी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया जाएगा, 2023 से सोलर एनर्जी फुल्ली यूटिलाइज यहां पर की जाएगी। द ग्रीन एनर्जी सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द टाउन्स, इसको डेवलप करेगा कौन, द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहां पर इसको डेवलप करेगा, सप्लाई करेगा सोलर एनर्जी को, और इसी को सप्लाई करने के लिए यहां पर आपका लखीसराय एंड दी भगलपुर, लखीसराय एंड दी भगलपुर जो एरिया है यहाँ पर 500 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। इट विल बी कंस्ट्रक्टिंग 500 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट
एट दी लखीसराय एंड दी भागलपुर में। सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा स्टेट बनने जा रहा है इंडिया का पहला स्टेट जहां पर दो ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स बनाए गए हैं, पहला राजगीर दूसरा बोधगया, दोनों का नाम याद रख लेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टेट का नाम पूछा जाता है, कौन सा स्टेट पहला बना, कौन से दो सिटीज बनी, दोनों सिटी का नाम, कब तक ये प्रोजेक्ट इनिशिएट होना है, 2023 तक होना है, किसके द्वारा सोलर एनर्जी सप्लाई की जाएगी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सप्लाई की जाएगी जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड जिसके सीएमडी आपके जितेंद्र नाथ स्वयं है। ओके, सो ये दोनों के दोनों आपके पॉइंट हो गए जहां पर SECI का यहां पर स्टेटिक फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि कहां पर इनके सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे, राइट आंसर लखीसराय एंड दी भागलपुर रहेगा। कितने के 500 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएंगे। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस इस पूरी न्यूज से। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं आपका, इंडिया इनिशिएट थर्ड फेज ऑफ इंडियन बीम लाइन प्रोजेक्ट इन जापान। ओके, सो यहां पर जापान से न्यूज आई है, इंडिया ने यहां पर तीसरा फेज द थर्ड फेज ऑफ द इंडियन बीम लाइन प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया जापान में किया गया। इसका स्पेशल फोकस है आपका यहाँ पर रिसर्च वर्क को बढ़ावा देना। बेसिकली इसमें क्या किया गया, इसमें जो इंडियन रिसर्चर्स हैं उनको यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सरे टेक्निक्स में, जो एक्सरे है आपका या इससे जुड़ी हुई कोई रिसर्च वर्क है उससे रिलेटेड यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको सेटअप किया गया है इंडिया जापान साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के तहत और दिस विल बी गिविंग ट्रेनिंग विद द एडवांस्ड एक्सरे टेक्निक्स। दिस फेज विल इंक्रीज द नंबर ऑफ यंग रिसर्चर्स फ्रॉम इंडिया जिनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑलरेडी 50% ऑफ इंडियन रिसर्चर्स जिन्होंने इस चीज के लिए अप्लाई किया है एंड इंडियन बीम टाइम जो बात कर रहे हैं इज अ मल्टीपर्पज बीम लाइन जो कि आपका एक्सरे के रिलेटेड आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करती है। लोकेटेड कहाँ है, ये है फोटोन फैक्ट्री ऑफ हाई एनर्जी एक्सलेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सुकुबा जापान में। ओके, सो ये एग्जैक्ट लोकेशन है आपकी और इसको कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन किया जाता है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता एज वेल एज द जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के द्वारा। सो एग्जाम पॉइंट से इंडिया ने यहां पर आपका इंडिया बीमलाइन प्रोजेक्ट जो इनिशिएट किया है जिसका तीसरा फेज वो कौन सी कंट्री के साथ मिलकर की है, पहला क्वेश्चन आएगा उसका आंसर रहेगा जापान। दूसरा आंसर, ये आपका इंडियन बीमलाइन प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, ये है गिविंग द ट्रेनिंग फॉर द एडवांस एक्सरे टेक्निक्स इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आएगा, ये लोकेशन इसकी पूछी जा सकती है, लोकेशन इसकी सुकुबा जापान में है, दैट इज द फोटोन फैक्ट्री ऑफ हाई एनर्जी एक्सलेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे कि कंस्ट्रक्ट जो इंडिया के साइड में है इंडियन बीमलाइन प्रोजेक्ट है, ये आखिरकार कंस्ट्रक्ट किसने किया था, ये कंस्ट्रक्ट किया था SINP ने, साथ में है JNCASR बेंगलुरु। SINP है कोलकाता में है एंड JNCASR बेंगलोर में है। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे। आप जिस तरह से मैं क्वेश्चन बनाता हूं, जिस तरह से आपको मैं बताता हूं ये क्वेश्चन इसमें से इतना निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, बस उन्हीं चीजों पर ध्यान से फोकस करके सुनते रहा करो, आपके माइंड में चीजें अपने आप फिट होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप पहली बार फॉलो कर रहे हैं तो इसी वे में हम करते हैं, यहाँ पर यही वे है। आपको कंटेंट जरूर ज्यादा लगेगा, आपको कहेगा इतना कुछ याद रखना पड़ेगा, तो बिलीव मी ट्रस्ट मी यस, इतना कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। अगर इतना कुछ याद नहीं रखेंगे तो आप एक डिसेंट स्कोर, जिस टाइप के लेवल चल रहा है इस टाइम इन दिनों में एग्जाम्स का, जो जनरल अवेयरनेस का लेवल एक अलग एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा चुके हैं करंट अफेयर्स को जनरल अवेयरनेस के एग्जाम में, तो जो नेक्स्ट लेवल है उसको अचीव करने के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली अगर वर्स्ट पेपर आता है, वर्स्ट नहीं कहूँगा, आजकल तो वर्स्ट भी थोड़ा सा लेवल कम कर दिया, वर्स्ट का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, नॉर्मल पेपर का लेवल वर्स्ट पे चढ़ दिया, तो नॉर्मल लेवल का पेपर आता है तब आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओ अगर आप इतना पढ़ते हो तो। और मेरी क्लास में कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नोट्स तभी बनाए जाते हैं जब आपको टीचर जो है वो एक लाइन पढ़ाए और बाकी चीज़ें आपको बोल कर बताए, ठीक है, नोट्स तभी बनाए जाते हैं।
इन दिस केस मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बोलकर नहीं बता रहा, जो आपकी स्क्रीन पर है वही चीज आपको समझा रहा हूँ, आपके माइंड में फिट कर रहा हूँ। आप इस तरह से पढ़ेंगे नोट्स, जितने टाइम तक आप बनाएंगे उतनी देर में आप मेरी इसी पीडीएफ को 2 से 3 बार और रिवाइज करके बैठे होंगे, तो वो ज्यादा आपके माइंड में घुसेगी इंस्टेड ऑफ मेकिंग द नोट्स। नोट्स आपको कब बनाने चाहिए? नोट्स आपको बनाने चाहिए कोई भी ऐसी न्यूज है जिसका डाटा बहुत ज्यादा है, जिसमें फिगर्स बहुत ज्यादा है और आपको याद नहीं हो रही, तो उनको आप सीक्वेंस में लिख देते हैं तो आपको याद हो जाती हैं। तो इन दैट केस आप कुछ इस तरह का नोट्स बनाइए, इन एनी अदर केस आपको नोट्स वोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपकी सोच, जैसे आपको सही लगता है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी गुयानीज ऑयल से। गुयाना एक कंट्री है यहाँ पर, जिसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन है एंड करेंसी वहां की गुयानीज डॉलर है। यहाँ पर ये आपकी गुयाना कंट्री, आपकी यहां से अब ऑयल आएगा, और ऑयल आएगा किसने इंपोर्ट किया? HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। ओके, मित्तल एनर्जी लिमिटेड अ जॉइंट वेंचर बिटवीन स्टेट रन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प एंड स्टील टाइकोन एलएन मित्तल। ओके, सो यहां पर ये बने इंडिया की पहली कंपनी जो कि कार्गो टू बाय कार्गो फ्रॉम द ऑयल प्रोड्यूसर ऑफ द गुयाना। ओके, सो ये आपके गुयाना से परचेज करने वाली कंपनी बनी HMEL, जो कि एक जॉइंट वेंचर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की एंड साथ ही साथ यहां पर एलएन मित्तल की कंपनी। ओके, स्टील टाइकून एलएन मित्तल, HPCL, इन दोनों की कंपनी मिलकर एक HMEL यहां पर बनाती है, दैट द HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। यहां पर एक बैरल कार्गो ऑफ गुयाना लीजा लाइट स्वीट क्रूड यहां पर आपका किया गया इनिशिएट, और ये अब आपका 8 अप्रैल को इंडिया में पहुंचेगा टू इंडिया के मुंद्रा पोर्ट में, और ऐसा करने वाला ये आपका पहला इंस्टीट्यूशन या पहली ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी है। HMEL यहां पर बठिंडा में ऑपरेट करता है, बठिंडा में ऑपरेट करता है, इसकी रिफाइनरी है वहां पर आपकी HMEL की। सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना पहला इंडियन बायर जिसने गुयानीज ऑयल को परचेज किया? राइट आंसर HMEL रहेगा, HMEL का फुल नेम। कौन कौन सी HMEL के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है? हिंदुस्तान पेट्रोल कोर जॉइंट वेंचर है, मित्तल एनर्जी का जॉइंट वेंचर है। कहां से खरीदा? गुयाना से खरीदा। कहां पर इसकी रिफाइनरी है? बठिंडा में इसकी रिफाइनरी है, जहां पर ये पूरा ऑपरेट किया जाएगा। HMEL के जो हेड है वो है प्रभदास, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। गुयाना के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, सो यहां पर आगे चलते हैं हम। एक और चीज, अगर आप बिल्कुल पहली क्लास है और नए जुड़े हैं, तो आपको मेरे साथ जो कोऑर्डिनेशन बिठाने में एटलीस्ट मान के चलिए 3 से 4 दिन मिनिमम लगेंगे। आप पहले दिन अगर देख रहे हैं मेरी करंट अफेयर्स को और आप सोचेंगे सर इतना कुछ है मेरे माइंड में, कुछ जा नहीं रहा, मैं कैसे आपके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाऊंगा, आप अगे वन लाइनर से उठकर मेरी क्लास में आए, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो वन लाइनर कराते हैं, ठीक है, वन लाइनर से एकदम से स्विच होना मेरी क्लास में आपको बहुत ही बड़ा एक शॉक लग सकता है, आपसे कुछ भी याद नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें आप 3-4 दिन एटलीस्ट दीजिए अपने आप को मेरे साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने में, और फिर जब 3-4 दिन आपके जब कोऑर्डिनेशन मेरे साथ बैठ जाएगा ना, फिर आप कहीं पर भी जाने का आपको मन नहीं करेगा, फिर इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन बैठेगा कि आपको क्लास में ही बैठे बैठे चीज़ें अपने आप याद होनी शुरू हो जाएंगी। तो गिव मी नहीं कहूँगा, गिव योर सेल्फ 3-4 डेज, जस्ट ज्वाइन, कम टू दिस क्लास एवरी डे एंड सी द डिफरेंस इन योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज JKTPO, साइन किया है एक MOU विद द ट्रेड प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, TPCI के साथ। यहाँ पर JKTPO ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, और ये एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड द फिल्म टूरिज्म सेक्टर। सो इन दोनों चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर JK यानी कि जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन ने TPCI के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया है, MOU साइन किया गया JKTPO। यहाँ पर आपका अनीता कार MD है JKTPO की एंड मोहित सिंगला जो कि चेयरपर्सन है TPCI के, ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट है यहां पर, और ये आपका एक एग्रीमेंट साइन किया गया। एग्रीमेंट साइन किया गया कि इंडस फूड 2021 एक दिल्ली में आयोजित किया जा रहा था, साउथ एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड
एफबी ट्रेड शो, एफबी फूड एंड बेवरेजेस, राइट, एफबी ट्रेड शो, यहाँ पर आपका इंडस फूड 2021 आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में, इसके तहत किया गया, और ये दोनों मिलकर आपका इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचेंगे, आपका अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। सो एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन क्या बनेंगे, पहला क्वेश्चन बनेगा JKTPO ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, TPCI के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, और यहाँ पर आपका JKTPO के MD कौन है, अंकिता कर है, चेयरमैन कौन है TPCI के, मोहित सिंगला है, कहां पर किया गया, ये आपका हाल ही में इंडस फूड 2021 एक शो हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, वहां पर ये किया गया, और हाँ बस इतने क्वेश्चन बनेंगे। नीचे JKTPO का स्टैटिक फैक्ट मैंने खैर बता ही दिया आपको, बट जस्ट एक लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, ITPO भी है, EPCH भी है, एंड CEPC भी, हेडक्वार्टर इसका जम्मू में है। नेक्स्ट चलते हैं, ICM एंड IOM कोलैबोरेट करेगा फॉर ज्वाइंट स्टडी ऑन द माइग्रेशन। ओके, सो यहाँ पर इंडियन सेंटर फॉर माइग्रेशन दैट इज ICM एक रिसर्च टैंक है, रिसर्च थिंक टैंक है, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये लोग सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं मीन्स एक अलग से डिपार्टमेंट है उसका एक, एंड इसने कोलैबोरेशन किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के साथ। ओके, सो इसके साथ यहाँ पर इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है, और ये कोलैबोरेशन बेसिकली किया गया है जो आपका माइग्रेशन मैनेजमेंट मीन्स COVID-19 के बाद जो लोग माइग्रेट हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, उस पर्पस से यहाँ पर आपका एक स्टडी कंडक्ट की गई ICM एंड दी IOM दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। पहला क्वेश्चन आएगा, इंडियन सेंटर फॉर माइग्रेशन जो है वो कौन से मिनिस्ट्री का एक थिंक टैंक है, राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहेगा। यहाँ पर आप गलती क्या करोगे, यहाँ पर आप गलती करोगे, क्वेश्चन आएगा इंडियन सेंटर फॉर माइग्रेशन एक रिसर्च थिंक टैंक है, कौन सी मिनिस्ट्री का, तो उसमें आपके सामने ऑप्शंस कुछ इस तरह होंगे, एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑब्वियस होगा, तीसरा भी इस तरह से आपका, तीसरा चौथा ऑप्शन आपके कुछ इस तरह से मिनिस्ट्री, कंफ्यूजिंग सी मिनिस्ट्री आपको दे देंगे, जिसमें से अकॉर्डिंग टू मी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 70-80% लोग इस क्वेश्चन को गलत कर कहेंगे, क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता कि इंडियन सेंटर फॉर माइग्रेशन को हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कैसे लिंक कर सकते हैं, बट यहाँ पर माइग्रेशन की बात इंटरनेशनल लेवल पे की जा रही है, सो इसीलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे अगर आप मेरे से पढ़ते हैं और अच्छे से स्टडी करते हैं, रिलीजियसली स्टडी करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, बट आप गलती नहीं करेंगे, इंडियन सेंटर फॉर माइग्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है, और दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो आपके लिए यहाँ पर स्टैटिक फैक्ट ICM का दे रखा है, बट IOM का स्टैटिक फैक्ट नहीं दे रखा, तो ये सर्च कीजिएगा अपने लेवल पे, इस ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा और इसका स्टैटिक फैक्ट ढूंढिए, आपका होमवर्क है, हम कल MCQ क्लास में इसके करेंगे इसका डिस्कशन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, आपका लेटर ऑफ एग्रीमेंट यानी कि एक MOU कह लीजिए, एक एग्रीमेंट कह लीजिए, सिंपल एक साइन किया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि न्यू दिल्ली में। ओके, सो यहां पर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एज वेल एज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, और यहां पर एग्रीमेंट में क्या कहा गया, एग्रीमेंट में जो जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश नोएडा में यहां पर बनाया जा रहा है जो कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा इंडिया का बनने वाला, उसमें जो भी सिक्योरिटी पर्पज से सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी ली जाएगी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगी जेवर एयरपोर्ट की, इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से। ओके, सो ये हुआ है आपका द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जेवर एयरपोर्ट ऑफिशियली नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इसको कहते हैं, ये आपका ऑलरेडी YIAPL के द्वारा ही इसको कैरी आउट किया जा रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश एंड ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक कोलैबोरेशन है। ओके, सो यहां पर स्विट्जरलैंड का एयरपोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व है इसकी यहां पर कंस्ट्रक्शन में जो कि आपका YIAPL है यहां पर, दैट इज यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, ये छोटी सी न्यूज है बट इसमें बहुत कुछ निकलता है। यहाँ पर सबसे पहला लोकेशन पूछी जा सकती है जेवर,
जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश, किसके बीच में कोलैबोरेशन है ये पूछा जा सकता है। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की, ये पूछा जा सकता है। अगला YEIEPL, यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर किस किस का है, AAAI का है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, और ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि स्विट्जरलैंड का है, दिस इज ऑफ दी स्विट्जरलैंड, ओके स्विट्जरलैंड का है यहाँ पर ये आपका, तो अच्छे से ये याद रखिएगा, ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट चलते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन पीएमसी बैंक वाज एक्सटेंडेड टिल 30 जून 2021 बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो यहां पर आपका पीएमसी बैंक बहुत ही चर्चा में रह रहा है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। यहां पर बेसिकली इसके लास्ट ईयर में, ये आपका था सितंबर 2019 की बात है, यहाँ पर सितंबर 2019 में यहाँ पर कुछ आपकी इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, इम्पोज की थी रिस्ट्रिक्शन कि लोग यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकते इसमें पैसा, जस्ट बिकॉज इसका जो लोन पोर्टफोलियो था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, खत्म नहीं कहूंगा कि जिसको इन्होंने दे रखा था वो पैसे नहीं चुका रहे, तो ऑब्वियसली लोन पैसा वापस नहीं आएगा, तो डिपॉजिटर को पैसा वापस देंगे। सो जब डिपॉजिटर को पैसा वापस नहीं दे पाए तो इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, लोग इसमें से लिमिटेड अमाउंट ही विड्रॉ कर पाएंगे ताकि सबको पैसा मिल सके। सो यहाँ पर चाहे जितने मर्जी आपके अकाउंट में हो, स्टार्टिंग में तो केवल 1,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं, लेटर ऑन अब इसको 1,00,000 रुपये पर अकाउंट इंक्रीज कर दिया गया था, एंड आरबीआई ने अपॉइंट किया था इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर फॉर 6 months, एंड आफ्टर सितंबर 2019 रिस्ट्रिक्शन वाज सेट टू एक्सपायर ऑन 31 मार्च 2021। ओके 31 मार्च 2021 तक अब इसको एक्सटेंड किया गया था, और फर्दर इस चीज को एक्सटेंड किया गया 30 जून 2021 तक। 30 जून 2021 तक यहां पर आपका पीएमसी बैंक अंडर रिस्ट्रिक्शन रहेगा, 1,00,000 तक की आप विड्रॉ कर सकते हो, और पीएमसी जो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जो कि रेगुलेट एंड सुपरवाइज किया जाता है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सो ये भी एक स्टैटिक बैंक अवेयरनेस का पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन इसमें से बनता है, अच्छे से याद रखिएगा। ओके अब यहाँ पर एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन, पहली चीज ये डेट पूछी जा सकती है कौन सी डेट तक किया है, दूसरी चीज दिस वन इज इंपॉर्टेंट, पीएमसी बैंक यहाँ पर कौन से टाइप का बैंक है, दिस इज द प्राइमरी, दिस इज द मल्टी स्टेट, ओके दिस इज द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दिस इज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है जो एक से ज्यादा स्टेट्स में ऑपरेट करता है। इसको रेगुलेट और सुपरवाइज कौन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है सेंट्रल रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनको सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ही यहाँ पर सुपरवाइज करती है, और आरबीआई तो है ही उसमें, ठीक है। और कितने महीने के लिए, 6 months के लिए एक बार इनिशिएट लगाया गया था, 1,000 से 1,00,000। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है एडमिनिस्ट्रेटर, इसके एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किए गए थे वो कौन है, ठीक है, ये होमवर्क आपका रहा, कल के एमसीक्यूज में हम करेंगे पीएमसी बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं हम, कोचीन शिपयार्ड ने डिलीवर किया है एमवी सिंधु पैसेंजर कम कार्गो वेसल टू अंडमान निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड को यहाँ पर आपका एक एमवी सिंधु नाम का एक कार्गो वेसल, पैसेंजर कम कार्गो वेसल मतलब जो लोगों को भी लेकर जा सकता है, और कार्गो मतलब जो सामान को भी लेकर जा सकता है, तो पैसेंजर कम कार्गो वेसल ये आपका यहाँ पर डिलीवर किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, किसको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, ओके यहाँ पर 500 पैसेंजर्स रहेंगे एंड 16 नोट्स, यानी कि ये स्पीड है, नोट्स आपकी स्पीड होती है किसी भी शिप की, क्रूज एट 16 नोट्स, एंड द बेसिक डिजाइन ऑफ वेसल इसको डिजाइन किया था न्यू ए हंसेन जो कि डेनमार्क की एक कंपनी है, डेनमार्क की कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया था यहाँ पर नेवल आर्किटेक्ट कंपनी इन कोलैबोरेशन स्मार्ट इंजीनियर डिजाइन सॉल्यूशन कोची, इन्होंने यहाँ पर इसको कोलैबोरेशन के साथ इसको डिजाइन को बनाया है इस वेसल के, कोचीन शिपयार्ड। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, सबसे पहला तो नाम इसका पूछा जा सकता है एमवी सिंधु क्या है, ये है आपका कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया एक कार्गो वेसल जिसको किसको दिया गया है, अंडमान निकोबार आइलैंड को दिया गया, कितने लोग, 500 पैसेंजर्स कैरी आउट कर सकता है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया, किसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया है, किसको, दैट इज डेनमार्क की कंपनी है, साथ में कोची का स्मार्ट इंजीनियर एंड डिजाइन सॉल्यूशन है। अंडमान निकोबार आइलैंड डी के जोशी है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है वहां की, कोचिन शिपयार्ड मधु एस नायर है, एंड कोचिन में ऑब्वियसली कोचिन लिखा, कोचिन में इसका ऑपरेशन होगा। सो
सो दिस इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर डीके जोशी। दिल्ली से वैसे एक काफ़ी चर्चा में एक न्यूज़ आई हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिलेटेड, कह रहा हमारे करंट अफेयर्स में इतनी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती एज फार एज द बैंकिंग एग्जाम्स आर कंसर्नड, बट स्टिल अगर नॉलेज चाहिए तो देख लेना क्या इशू है। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को LG को क्या क्या पावर्स दी गई हैं, बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय इन दिनों में। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ के विजय राघवन एज द PSA फॉर 1 year टिल अप्रैल 2022। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑफिशियल ऑर्डर इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टेटेड दैट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ के विजय राघवन। ओके, सो यहाँ पर आपका के विजय राघवन जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है आपके यहाँ पर इंडिया के, एंड यहाँ पर इसने दिया है आपका एक साल के लिए PSA फॉर 1 year टिल अप्रैल 2022। के विजय राघवन PSA प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एक साल के लिए इनको और फर्दर एक्सटेंशन किया गया इनके कार्यकाल का। विजय राघवन ये अपॉइंट किए गए PSA इन 2018 अपॉइंट किए गए थे एंड यहाँ पर इनका कार्यकाल एंड हो रहा था, बट एक्सटेंशन मिल गया है उनको अगले साल 2022 तक। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था आपका 2013 तक, 2013 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। PSA क्या काम करता है यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी आपको ये पढ़ना चाहो जस्ट नॉलेज पर्पज से, जस्ट आपका जो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, के विजय राघवन जी का नाम याद रख लेना, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, बेसिकली आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उनको एडवाइज देते हैं या फिर एडवाइजर के फॉर्म में रहते हैं आपके रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड। ओके, सो कब तक किए गए हैं, अप्रैल 2020 में कब किए गए थे इनको अपॉइंट, 2018 में किया गया था। कब जीते थे पद्मश्री, 2013 में जीते थे पद्मश्री। नेक्स्ट चलते हैं हम, अनीश शाह को अपॉइंट किया गया थी MD एंड CEO ऑफ द महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। सो MD एंड CEO महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के कौन अपॉइंट किया गया, अनीश शाह, अनीश शाह को अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ द महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 2 अप्रैल 2021 से। ये जगह लेंगे पवन गोयनका की, पवन गोयनका की जगह लेंगे जो कि रिटायर हो रहे हैं आपके, एंड अनीश शाह करंटली आपके डिप्टी MD एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं कंपनी के। सो दिस अनीश शाह MD एंड CEO महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। नेक्स्ट न्यूज आई है BPCL दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना जो पूरा का पूरा हिस्सा है 61.5% का इन द नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम को यहां पर सेल किया है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड एंड द गवर्नमेंट असम को 9876 करोड़ में। सो यहाँ पर 9876 करोड़ में जो आपका हिस्सा है वो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड EIL एंड द गवर्नमेंट ऑफ असम को यहाँ पर सेल किया गया। ऑयल ने 54.16% स्टेक हासिल किया है जिससे उसकी जो होल्डिंग है वो 80.16% हो चुकी है। इसके साथ AIL ने 4.4% स्टेक हासिल किया है एंड बाकी बचा हुआ आपका गवर्नमेंट ऑफ असम ने यहां पर हासिल किया है। ओके, सो एग्जाम में पूछा जा सकता है किस किस ने कितने कितने अमाउंट हासिल किया है, कितने परसेंटेज इसका शेयर है, ये शेयर आपका पूछा जा सकता है, कितनी अमाउंट टोटल यहाँ पर दी गई है 9876 करोड़, ये पूछा जा सकता है तीनों कंपनीज का नाम। सो दिस इज द BPCL के बारे में, के पद्माकर एंड द मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज है 2021 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1। ओके, सो यहाँ पर बहरीन में एक आपकी फॉर्मूला 1 रेस हुई जिसमें आपका मर्सिडीज कंपनी के जो ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को आपका जीता। फॉर्मूला 1 गल्फ एयर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का पूरा नाम है। ये जगह दी शकीर बहरीन यहाँ पर आयोजित की गई। दूसरे स्थान पर यहाँ पर मैक्स वर्स्टैपेन रहे नीदरलैंड जो कि रेड बुल कंपनी के हैं, एंड मर्सिडीज के ही आपके तीसरे स्थान पर जो कि वल्टारी बोटास है जो कि फिनलैंड से है। ये हैमिल्टन की, लुइस हैमिल्टन की आपके 96th विन थी आपकी, 96 बार जीते, और इसको ऑर्गेनाइज, इस पर्टिकुलर रेस को फॉर्मूला 1 को ऑर्गेनाइज जो करता है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल, ये आपका ऑर्गेनाइज करता है जिसके प्रेजिडेंट जीन टॉड है एंड हेडक्वार्टर इसका पैरिस फ्रांस में है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन, ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का, उसमें मैं बता दूं ऑलरेडी क्वेश्चन आया था एक बार, लुइस हैमिल्टन की कंट्री पूछी थी, लुइस हैमिल्टन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आ चुका है एग्जाम में, और इस बार हो सकता है कंपनी आ जाए कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं, किसने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1, ये पूछा जा सकता है सेकंड थर्ड स्थान पर, और हैमिल्टन की कितने में भी जीत है 96th, ये आपकी विन है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है ये पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, डेब्यू बुक ऑफ द धरीबा लैंडम टाइटल नेम प्लेस एनिमल थिंग्स। सो डेब्यू बुक आपकी आई धरीबा लैंडम की जिसका टाइटल था नेम प्लेस एनिमल थिंग्स। बेसिकली जो ये
पर्सनैलिटी है धरीबा धारीबा, जो भी इनका जिस तरह से आप प्रनाउंस करते हैं, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, उसके लिए माफी। ये एक राइटर है, सिविल सर्वेंट है हमारे शिलोंग मेघालय से, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस एंड डिप्टी कमिश्नर है कस्टम्स में, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने एक बुक लिखी है नेम प्लेस एनिमल थिंग्स, जो कि आपका बताता है एक एक यंग खासी व्यूमन जो कि शिलोंग मेघालय में रहती हैं इन द अर्ली 2000 सन की बात कर रहे हैं, उसकी ये आपके पूरी पूरी चीजें दर्शाता है। इसको पब्लिश किया जुबान पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड ने। नेम प्लेस एनिमल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किससे रिलेटेड है, शिलोंग मेघालय से रिलेटेड है आपकी ये बुक, और कौन है राइटर है सिविल सर्वेंट है। चलिए मेरे दोस्तों, ये था आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर आप एक बहुत ही शानदार वे में, बहुत ही अच्छे वे में अगर एक तैयारी करना चाहते हैं अपनी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर चाहिए, तो एक हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है। अगर आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर सुन के जाइएगा, आपको बहुत ही एक गजब का कंसेप्ट, गजब की चीज़ आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। दिस इज स्टडी नीति बैंकिंग पीडीएफ कोर्स, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे, टोटल 9000 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, 9000 क्वेश्चन प्री लेवल के, मेंस लेवल के, हिंदी में, इंग्लिश में, वेबसाइट पे, ऐप में, सब कुछ, सभी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट के, रीजनिंग के, क्वांट के, इंग्लिश के, करंट अफेयर्स के, सब कुछ एग्जाम लेवल टॉप नॉच क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत लोगों ने परचेज किया होगा, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये पीडीएफ कोर्स कैसा लग रहा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी। पीडीएफ कोर्स स्टार्ट हुए दो दिन हो चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं, अगर आप आज की डेट में आप परचेज करेंगे तो पिछले दिन का आप नहीं देख पाएंगे, आप पिछले दिन का भी अच्छे से देख पाएंगे, अपनी करंट अपनी रिवीजन को कर पाएंगे। और दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ, जो एक बिगिनर है, जो एक एवरेज स्टूडेंट है, उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है, आप प्रैक्टिस मोर देन इनफ कर सकते हो। और जो एक एडवांस लेवल पे, जो ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, जो थोड़े बहुत नंबर से रह रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू में रह रहे हों, ठीक है, उनके लिए भी कोर्स बेनिफिशियल है, बट ये है कि वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर चुके हैं और उनके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए ये कोर्स हमने आपके लिए डिजाइन किया है। तो ये कोर्स सभी के लिए इक्विवेलेंट है और आपको मजा आएगा ये कोर्स करने में। अगर आपने स्टडी नीति का एनुअल मॉक टेस्ट नहीं लिया हुआ है तो आप अगर उसको परचेज करते हैं और उसके बाद अगर आप इसको करते हैं तो ये इसकी प्राइसिंग 450 है, और अगर आप इसको डायरेक्टली परचेज करते हैं केवल पीडीएफ कोर्स को तो इसकी प्राइसिंग 500 है। ये कोर्स आपका 60 दिन तक चलेगा, 60 दिन तक आपको डेली बेसिस पर 9000 क्वेश्चन, टोटल 9000 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे यहाँ पर, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए मोर देन इनफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा एंड मज़ेदार लग रहा होगा। और नीचे इसको परचेज करने का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हमने दिया हुआ है सारा का सारा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेज कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाओ studyneeti.com पे जाओ, यहाँ पर पीडीएफ कोर्स है और यहाँ पर स्टडी नीति बैंकिंग पीडीएफ कोर्स 2021 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर एक डाउनलोड शेड्यूल दे रखा है, ये शेड्यूल को डाउनलोड करोगे तो आपको पूरा पूरा शेड्यूल पता लग जाएगा कि डे वन को हम क्या दे रहे हैं, डे टू को क्या दे रहे हैं, डे थ्री को क्या दे रहे हैं, डे फोर, यानी कि 1 तारीख। अब आज देखोगे आज क्या मिलेगा, आज आपको अल्फाबेट टेस्ट के हाई लेवल के 15 क्वेश्चन, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के 5 सेट, 5 सेट का मतलब है 5 पजल्स आपको मिलेंगी हाई लेवल की, परसेंटेज पीओ मेंस लेवल के 15 क्वेश्चन आज की डेट में, टेबल डीआई पीओ मेंस की 2 सेट, आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के डेली बेस पे 15, 10 और 13 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, कई बार 14, 15 इस तरह का पैटर्न रहेगा। इंग्लिश में आज आपको आरसी मिलेगी, एक ट्रिपल फिलर्स मिलेंगे 5 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चन, वर्ड यूसेज के 5 क्वेश्चन पीओ मेंस लेवल के आपको आज मिलने वाले हैं। और जीए क्विज जनवरी पार्ट 1 रिवीजन के क्विज रहेगा यहां पर, और इसी तरह से एवरीडे आपको कभी प्री लेवल, अगर आपको प्री लेवल का क्वेश्चन होगा तो उसके आगे प्री लेवल लिखा होगा, जैसे क्लर्क प्री लेवल लिखा होगा, अगर आपका मेंस लेवल का होगा तो मेंस लिखा होगा, इजी है तो इजी लिखा होगा, मॉडरेट है तो मॉडरेट लिखा होगा, हाई है तो हाई लिखा होगा, इससे आपको एक जजमेंट हो जाएगी एटलीस्ट कि इजी लेवल का क्वेश्चन है तो आप किस तरह से कर सकते हो, इजी लेवल का क्वेश्चन है तो किस तरह से कर सकते हैं, मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो काफी सारे स्टूडेंट्स को तो आखिरकार यही नहीं पता लगता कि सर इजी लेवल का क्वेश्चन कौन सा है, मेंस लेवल का क्वेश्चन कौन सा है, और हमें कितना टाइम लगेगा, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा अगर इजी लेवल लिखा तो इजी लेवल का कौन सा क्वेश्चन है,
तो इस सारे का सारा पूरा इस तरह से 60 दिन का पूरा पूरा शेड्यूल है। हर एक टाइप का, हर एक डीआई, हर एक पजल यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। पीओ प्री की, पीओ मेंस की, क्लर्क प्री की, क्लर्क मेंस की, हर एक चीज यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन की हुई है। और ये पूरा पूरा शेड्यूल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा 450 में। एनुअल मॉक टेस्ट यूजर है तो इसलिए यहाँ पर बाय नाउ आ रहा है 450 में। और ये आपका पूरा पूरा यहाँ पर हिंदी में भी, इंग्लिश में भी आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। कंसोलिडेटेड पीडीएफ भी है, अलग अलग इंडिविजुअल भी है, डाउनलोड करके अपने साथ रखिए। एंड सॉल्यूशंस भी हैं, फुल सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन के साथ है, सब कुछ आपका इसमें अवेलेबल है। कहीं भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेसिफिकली हमने एक और चीज़ इसमें, एक दिन जो कि स्पेसिफिक संडे है, वो हमने इसके आपके बैकलॉग करने के लिए छोड़ा है कि आप अपनी बैकलॉग कवर कीजिए, करंट अफेयर्स की रिविजन कीजिए। तो ये भी उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपके टारगेट अच्छे से चल रहे होंगे, टारगेट पूरे हो रहे होंगे जिन लोगों ने भी इसको लिया है, और वो इसको बेहद ही तरीके से पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक कि छोड़ डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक आपको ये डायरेक्टली यहीं पर ही ले जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करना आपको डायरेक्टली इसी पेज पर पहुंच जाएगा। बाय नाउ कीजिए, परचेज कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और एक और चीज़, अब आप पूछोगे सर इसमें अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो कैसे सॉल्व करें, कोई ग्रुप है? कोई ग्रुप नहीं है। जैसे ही आप इसको परचेज करोगे आपके उसे एक मेल आएगा, उस मेल में आपको एक टेलीग्राम नंबर दिया होगा, टेलीग्राम नंबर। उस टेलीग्राम नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपका कोई भी डाउट है उसका स्क्रीन शॉट भेजिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, अपना नाम लिखिए, और आपका डाउट आपका विद इन 24 आवर्स आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। क्या डाउट है उस क्वेश्चन में वो आप लिखेंगे, आपका डाउट पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। आपके साथ हमारी टीम है पूरी की पूरी, जो कि आपके डाउट्स को ले रही है, कवर करेगी डेफिनेटली। और जो भी आपके डाउट कवर कर रही हैं, तो वो मान के चलिए जो पर्सन आपके डाउट कवर कर रहे हैं ऑलरेडी वो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, और वही आपके डाउट क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई ऐसा वैसा कोई भी पर्सन कर रहा है, ऑलरेडी एग्जाम जिन्होंने क्लियर किए हैं वही आपके डाउट्स क्लियर रहे हैं। सो वो एक अच्छा एक वे है। बाकी आप हमारी इस स्टडी नीति वेबसाइट को, ये ऐप में भी अवेलेबल है, आप कंटिन्यूटी में स्टडी नीति लिखोगे, कंटिन्यूटी में स्टडी नीति लिखोगे आपको हमारी ऐप मिलेगी। आप उस ऐप को भी डाउनलोड करके और वहाँ से भी आप कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड मिलते हैं फिर। इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ डेली बेसिस पर। ये क्लास सुबह 7 बजे होती है, आज 8 बजे हुई थी। लाइक ज़रूर कर देना और डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके इस वेबसाइट को ज़रूर एक बार देख लेना। और आपके लिए बहुत कुछ है इस वेबसाइट पे, बहुत चीज़ें अवेलेबल है, मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके लिए, एनुअल मॉक टेस्ट आप ले सकते हो 500 रुपीज़ में। आपका पूरे साल का पैकेज है, आपको कुछ भी और परचेज करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी के नोटिफिकेशन जैसे जैसे रिलीज़ होंगे आपके सारे के सारे इसमें मॉक टेस्ट खुलते रहेंगे, प्री लेवल के, मेंस लेवल के, हिंदी में, इंग्लिश में, जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहने वाले हैं इस प्राइसिंग में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो अगेन। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये पीडीएफ कोर्स पसंद आएगा और इसमें आप ज़रूर एनरोल करेंगे। टेक केयर।